दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप आयरलैंड भारत का हिस्सा कैसे बना? चलिए पहले इसकी थोड़ी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जानते हैं। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, जो कि अरेबियन सी के साउथ में स्थित है। यह केरला से 200 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के आइलैंड्स और एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ बहुत ही सुंदर है, जो कि इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना देता है। यहाँ पर अनेक वंशों का राज चला, जैसे चेरास, चोलास और द किंगडम ऑफ कन्नूर। यह सभी राजा भारत की मेनलैंड से ही इन आइलैंड्स को कंट्रोल करते थे, जैसे चेरास केरला में रहकर ही इन्हें कंट्रोल करते थे। इन्हीं में चेर वंश के अंतिम राजा चेरमान पेरुमार्क्स ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। साथ ही कुछ लोकल ट्रेडिशंस की माने तो बताया जाता है कि यहाँ उबैदुल्लाह नाम के शख्स आए थे, जिन्होंने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार किया था। इन्हीं दो कारणों के चलते आज लक्षद्वीप की 96% जनसंख्या मुस्लिम है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अधिकतर केरला के राजाओं जैसे चेरास और कन्नूर का शासन चला था, और यह लक्षद्वीप आइलैंड केरला से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, और इसी के चलते केरला का कल्चर यहाँ फैला, और इसीलिए आज केरला और लक्षद्वीप का कल्चर काफ़ी सिमिलर है, जिसके चलते यहाँ मलयालम भी अधिकतर बोली जाती है, और केरला की तरह ही यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छी है। लक्षद्वीप का शासन पोर्टुगीज के पास गया था, जो कि इनसे कॉइन प्रोड्यूस करवा कर बेचना चाहते थे। साथ ही एक समय पर लक्षद्वीप के अमिनदीवी आइलैंड ग्रुप का कंट्रोल टीपू सुल्तान के पास था, लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद यह कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास आ गया। लक्षद्वीप के बचे आइलैंड अराकाल के कंट्रोल में थे, मगर इन आइलैंड्स को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, और फिर ये आइलैंड्स भारत की आज़ादी तक ब्रिटिशर्स के कब्जे में ही रहे। भारत की आज़ादी के साथ साथ एक नए देश का भी गठन हो गया था, और वो देश है पाकिस्तान। दोनों के ही पास यह अधिकार था कि वे प्रिंसली स्टेट को मनाकर अपने देश में जोड़ सकते हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए तो कुछ भारत आ गए, और कुछ ने तो नया देश बनाने का सोच लिया। और ऐसे माहौल में यह जायज़ था कि पाकिस्तान लक्षद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह पहले से ही एक मुस्लिम डोमिनेटेड आइलैंड ग्रुप है, और जैसा कि यह साउथ इंडिया के काफ़ी नज़दीक है, तो पाकिस्तान का इस पर कब्ज़ा करना भारत के लिए खतरा हो जाता। इसी दूरदर्शी सोच के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लक्षद्वीप को भारत में मिलाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए उन्होंने एक SOS मैसेज मुदालियर भाइयों को भेज दिया, जिन्होंने फिर इस मैसेज को ट्रैवनकोर के कलेक्टर को भेजा। इस मैसेज में उन्होंने ट्रैवनकोर की पुलिस फोर्स को गन या लाठी, जो हथियार मिले उसके साथ लक्षद्वीप आइलैंड भेजने को कहा, और साथ ही वहां तिरंगा फहराकर लक्षद्वीप में भारतीय सेना की प्रेजेंस दिखाने को कहा। और जैसा कि इस मैसेज में कहा गया था, वहां की पुलिस फोर्स वहां पाकिस्तान से पहले पहुंच गई और वहां तिरंगा फहरा दिया। इसके कुछ देर बाद ही इन पुलिस फोर्स ने पाकिस्तानी सेना के जहाज को आते देखा, जो कि लक्षद्वीप की ओर ही बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस भारतीय झंडे को देखा, उनके सारे सपने टूट गए और उन्होंने यूटर्न लेना प्रेफर किया। यह सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और मुदालियर ब्रदर्स और पुलिस फोर्स के क्विक एक्शन के कारण ही संभव था कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन पाया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हमसे पहले वहाँ पहुँच जाता, तो आज के समय में उस आइलैंड पर पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री बेस बने होते, और उनके लिए हमें घेरना काफ़ी आसान हो जाता, जिससे युद्ध के समय में यह इंडिया के लिए 3-sided वॉर की कंडीशन हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब यह आइलैंड ग्रुप आज़ाद भारत का हिस्सा बन चुका था। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ था, तब इसे लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड के नाम से जानते थे। फिर 1 नवंबर 1956 में इसे भारत की यूनियन टेरिटरी बना लिया गया, लेकिन अभी भी इसका हेडक्वार्टर कोझिकोड ही था। फिर
1964 को इसका हेडक्वार्टर कावारत्ती में शिफ्ट कर दिया गया। लक्षद्वीप की मेन इकोनॉमी कोकोनट फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर इससे गुड्स बनाकर बेचने से बनती है। फिशिंग और टूरिज्म भी इसकी इकोनॉमी में अच्छा शेयर रखते हैं। बता दें कि लक्षद्वीप में केवल एक ही एयरपोर्ट है जो कि अगाती आइलैंड पर स्थित है। यहाँ की फ्लाइट डायरेक्ट कोची और बेंगलोर तक जाती है, लेकिन यहाँ सी पोर्ट काफ़ी सारे हैं जो कि लक्षद्वीप और इंडिया की मेन लैंड को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं। 2005 में एक लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट भी सेटअप किया था, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जिसके तहत वे सी वाटर को पीने लायक बना सकेंगे और साथ ही इससे काफ़ी सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। इसे देखकर 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने मिनिकॉय, अगाती और एंड्रॉयड में भी ऐसे प्लांट लगाने का डिसीजन लिया। अब अंत में यह बताना चाहूँगा कि भारत लक्षद्वीप आइलैंड में 1072 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहा है, जिससे कि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई जा सकेगी और फिर इससे टूरिज्म और एजुकेशन को भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।